सो आज का फर्स्ट जानवर है सियार। सियार जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में गीदड़ भी कहा जाता है और एक कुत्ते की तरह दिखने वाला जानवर होता है। वैसे सियार को इंग्लिश भी कहा जाता है जैकल। जैकल मतलब सियार। और अगला है लकड़बग्गा। लकड़बग्गा जो देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाने वाला एक कुत्ते जैसा जानवर होता है और ये मनुष्य की हंसी जैसी आवाज करता है। वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है हाइना। हाइना मतलब लकड़बग्गा। और अगला जानवर है छुचुंदर। छुचुंदर जो देख रहे हैं आप, ये जमीन के भीतर रहने वाला एक छोटा जानवर होता है। और मैं आपको बता दूं, छुचुंदर जो है वो ब्लाइंड होता है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे छुचुंदर को इंग्लिश भी कहा जाता है मोल। मोल मतलब छुचुंदर। और अगला जानवर है लोमड़ी। ये भी डॉग की फैमिली को बिलोंग करता है। वैसे लोमड़ी को इंग्लिश भी कहा जाता है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। और अगला है बाघ। बाघ जो देख रहे हैं आप, ये नेशनल एनिमल भी है इंडिया का। वैसे बाघ को इंग्लिश भी कहा जाता है टाइगर। टाइगर मतलब बाघ। और अगला है शेर। शेर जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश भी कहा जाता है लायन। लायन मतलब शेर। और अगला है तेंदुआ। तेंदुआ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश भी कहा जाता है लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। और अगला है हाथी। बड़े कानों वाला जो हाथी देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश भी कहा जाता है एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। और अगला है दरियाई घोड़ा। ये अफ्रीकन एनिमल है जिसका की सिर बड़ा होता है और उसकी आंखें छोटी होती हैं। वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा। और इसे शॉर्ट में हिप्पो भी कहा जाता है। और अगला है नेवला। नेवला जो देख रहे हैं आप, ये गर्म देशों में पाया जाने वाला एक छोटा जानवर है जो सांप और चूहे और बर्ड्स के एग को मार के खा जाता है। वैसे नेवला को इंग्लिश में कहा जाता है मोंगूस। मोंगूस मतलब नेवला। और ये लंबी गर्दन वाला जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में ऊंट कहा जाता है और ये रेगिस्तान में रहता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कैमल। कैमल मतलब ऊंट। और अगला है गिरगिट। गिरगिट जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कमीलियन। कमीलियन मतलब गिरगिट। और नेक्स्ट है बिज्जू। बिज्जू जो देख रहे हैं आप, ये बिल में रहने वाला और रात में बाहर निकलने वाला एक छोटा जानवर है जिसके सिर पे सफेद और काली धारियां होती हैं। वैसे बिज्जू को इंग्लिश में कहा जाता है बैजर। बैजर मतलब बिज्जू। और अगला है गेंडा। गेंडा जो देख रहे हैं आप, ये अफ्रीकन और एशियन एनिमल है। वैसे गेंडा को इंग्लिश में कहा जाता है राइनोसरस। राइनोसरस मतलब गेंडा। और अगला है साई। साई भी एक तरीके का एनिमल है जिसके शरीर पर पतले नुकीले कांटे लगे होते हैं। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पॉक्यूपाइन। पॉक्यूपाइन मतलब साई। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है पांडा और इसे इंग्लिश में भी पांडा ही कहा जाता है। और ये लाल पांडा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेड पांडा। रेड पांडा मतलब लाल पांडा। और अगला है हिरण। हिरण जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डियर। डियर मतलब हिरण। और अगला है चित्रगर्दव। चित्रगर्दव जो देख रहे हैं आप, ये घोड़े जैसा और सफेद काली धारीदार वाला एक अफ्रीकन जानवर है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है जेब्रा। जेब्रा मतलब चित्रगर्दव। और ये एनिमल जो देख रहे हैं आप, ये उद्विलाप है। इसे उद्विलाप कहा जाता है हिंदी में। और एक रिवर एनिमल है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है ऑटर। ऑटर मतलब उद्विलाप। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है कंगारू हिंदी में। और ये ऑस्ट्रेलिया का जानवर है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कैंगरू। कैंगरू मतलब कंगारू। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है काटा चूहा। ये कांटेदार जंगली चूहा होता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है हेजहॉग। हेजहॉग मतलब काटा चूहा। और नेक्स्ट है भेड़िया। ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है भेड़िया हिंदी में। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया। और अगला है खरगोश। खरगोश जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। और अगला है बंदर। बंदर जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मंकी। मंकी मतलब बंदर। और नेक्स्ट है गाय। गाय को तो सबको पता है काऊ कहते हैं। और अगला है सांड। सांड को इंग्लिश में कहा जाता है बुल।
बुल मतलब सांड, और अगला है जंगली सांड। जंगली सांड जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइसन। बाइसन मतलब जंगली सांड। और नेक्स्ट है सुरागाय। सुरागाय या तिब्बती सांड भी कहा जाता है इसे, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है येक। येक मतलब सुरागाय। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे गोरिल्ला कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में भी गोरिल्ला कहा जाता है। और अगला है चिंपांजी। चिंपांजी तो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में चिंपांजी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है चिंपैंजी। चिंपैंजी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है काला हिरण। काला हिरण जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कृष्ण मृग भी कहा जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक बक। ब्लैक बक मतलब कृष्ण मृग या काला हिरण। और अगला है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर मतलब बारहसिंगा। और गिलहरी। गिलहरी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्विरल। स्क्विरल मतलब गिलहरी। और अगला है सांप। सांप को इंग्लिश में कहा जाता है स्नेक। स्नेक मतलब सांप। और नेक्स्ट है सुअर। सुअर जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिग। पिग मतलब सुअर। और गधा। गधा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डोंकी। डोंकी मतलब गधा। और अगला है घोड़ा। घोड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। और नेक्स्ट है जंगली सुअर। जंगली सुअर जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइल्ड बो। वाइल्ड बो मतलब जंगली सुअर। और अगला है चमगादड़। चमगादड़ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बैट। बैट मतलब चमगादड़। और नेक्स्ट है काला तेंदुआ। काला तेंदुआ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैंथर। पैंथर मतलब काला तेंदुआ। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में मेंढक, वैसे मेंढक को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। और अगला है कछुआ। कछुआ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टोटस। टोटस मतलब कछुआ। और नेक्स्ट है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। और अगला है भैंस। भैंस जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बफलो। बफलो मतलब भैंस। और नेक्स्ट है केकड़ा। केकड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रैब। क्रैब मतलब केकड़ा। और अगला है भालू। भालू जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेयर। बेयर मतलब भालू। और ध्रुवीय भालू जो देख रहे हैं आप, व्हाइट कलर का, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलर बेयर। पोलर बेयर मतलब ध्रुवीय भालू। और ये भी एक तरीके का भालू है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है क्वाला। क्वाला कहा जाता है इस तरीके के भालू को। और नेक्स्ट है बकरी या बकरा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गोट। गोट मतलब बकरी या बकरा। एंड द लास्ट वन इज भेड़। भेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है शीप। शीप मतलब भेड़। सो यही था आज का वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए लकड़बग्गा और गेंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपने सीखे 50 से ज्यादा जानवरों के नाम, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।